ये है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, हर नेफ्रॉन में एक ट्यूब्यूल है, कंटिन्यूअस ट्यूब्यूल है, उसी ट्यूब्यूल का एक रीजन को डिस्टल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, एक रीजन को जहां पर लूप है वहां पर हेनलीज लूप बोल रहे हैं, और हेनलीज लूप के पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। उसी ट्यूब्यूल बहुत लंबा ट्यूब है, वो ट्यूब का जो अरेंजमेंट है उस ट्यूब का डिफरेंट रीजन को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकार रहे हैं, एक ही ट्यूब को, ट्यूब्यूल को। एंड देयर आर मेनी सच ट्यूब्यूल्स, और वो एक पूरा ट्यूब्यूल जो है दैट इज नेफ्रॉन। ठीक, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स अलोंग विथ इज डेवलपिंग इट्स ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई इज द ब्रांचिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म द किडनीज फंक्शनल यूनिट दैट इज नेफ्रॉन। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल forms the Bowman's capsule, proximal end forms the Bowman capsule, proximal tubule. Around a glomerulus, while the distal end elongates to form the proximal convoluted tubule. ठीक, डिजिटल एंड किसका? बॉमेन कैप्सूल का। बॉमेन कैप्सूल्स डिजिटल एंड इलोंगेट्स टू फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन लूप ऑफ हेनलीज, आफ्टर दैट डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म। यहां पर ट्यूब्यूल खत्म हो गया, अब ट्यूब्यूल ज्वाइन करेगा कलेक्ट डक्ट्स। ओके, दिस डेफिनेटिव किडनी एक्चुअली इनिशियली डेवलप्स इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन समझ गए आप, लंबर के नीचे हुआ पेल्विक रीजन, जहां पर हिप बोन्स आर देयर, दिस इज द पेल्विस रीजन। But the kidney in the adult kidney is in the abdominal region, the abdomen. तो आप समझो किडनी फिर ऊपर चढ़ता है बनने के बाद, क्योंकि पेल्विस तो नीचे हो गया, but in the adult birth के टाइम पर ही किडनी इज देयर इन द एब्डोमिनल रीजन, लंबर रीजन के ठीक आगे। ठीक है, लंबर रीजन पीछे पीछे वाला हो गया स्पाइन के अराउंड, उसी लंबर रीजन में कोरस्पॉन्डिंग लंबर रीजन के ठीक आगे जो एब्डोमिनल रीजन है, ये पीठ हो गया। ठीक है, पीठ के आगे छाती, लंबर के आगे पेट, इन दिस एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन में भी पीछे की तरफ किडनी होते हैं, यानी लंबर रीजन भी कह लो आप भी कह सकते हैं, पीछे की तरफ है। ठीक है, दिस इज द पोजिशन। तो किडनी इज देन पेल्विस से चढ़ेगा ऊपर, असेंड करता है, असेंडिंग ऑफ किडनी टेक्स प्लेस। ठीक, सो डेवलपिंग डेफिनेट किडनी इनिशियली डेवलप्स इन द पेल्विक रीजन before ascending into the abdomen, and in the pelvis kidney kyunki pelvis region mein hai to yahan par, and kidney is isme bahut blood vessel ka supply hai, okay, blood supply hai to pelvic region mein hai to supply iska ab ye ukhad ke yahan se pura jar ukhad ke jayega upar। तो सपोज, तो फिर से समझो कि आप सप्लाई, यहाँ फिर नया सप्लाई इस्टेब्लिश होगा जब ये एब्डोमिनल रीजन में जाएगा ब्लड सप्लाई, और पुराना सप्लाई जो है वो उखड़ जाएगा, वहां से डिजेनरेट कर जाएगा, और कुछ रह जाते हैं एज ए रीनल आर्टरीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम दे डिजेनरेट इन द पेल्विक रीजन के जो ब्लड सप्लाई है। So kidney receives its blood supply from the pelvic branch in the pelvic pelvis region,
when it is in the pelvis region at at the start of the fourth month, at the end of the third month, that time it is in the pelvic region. So there, blood supply from the pelvic branch of the abdominal aorta is there. And as it ascends, new arteries from the abdominal aortas, from the same abdominal aorta, new arteries are formed that supply the kidney. Pelvic region में जब था तो blood vessels उस समय उसको supply कर रहे थे. Those pelvic blood vessels usually regress. But in some animals, they can persist as accessory renal arteries. Okay. So this is the story of kidney. Then question arises, how the bladder and urethra comes? Isko mita dein students, picture ko. Yes, sir. ब्लैडर एंड यूरेथ्रा जो है वो क्लोका से डिराइव हुए ह्यूमंस में, ठीक, या जिसमें भी ये किडनी है मेटानेफ्रिक उसमें, ठीक, डिराइव फ्रॉम क्लोका. एंड क्लोका इज बेसिकली हाइंड गट स्ट्रक्चर. And this is cloaca, common chamber. एक कमरा है, room है. In this cloaca, hindgut structure है, मतलब digestive system का अंग है ये. तो digestive system, intestine is opening, rectum is opening. Anus is opening. In this cloaca. And gastrointestinal opening, or there will be urinary opening in this, and this is exterior. So this is that chamber, cloaca, and from this cloaca, these structures arise. Cup in the fourth to seventh week of development. Fourth to seventh week. यानी जब प्रोनेफ्रोस बन रहा था तभी. तो प्रोनेफ्रोस भी तो क्लोका से ज्वाइंट है, प्रोनेफ्रिक डक्ट. तो उसी टाइम क्लोका इज divided into two parts by urorectal sputum, septum. ठीक है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बता देते हैं. क्लोका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बिटवीन फोर्थ टू सेवेंथ वीक ऑफ डेवलपमेंट, एंड दिस इज यूरोरेक्टल सेप्टम. यूरोरेक्टल सेप्टम anterior one is urogenital sinus and the posterior one is anal canal. This urogenital sinus is further divided into three parts. The upper part of the urogenital sinus forms bladder. The pelvic part forms the entire urethra and some of the reproductive tracts in female and
prostate and some part of the urethra in males. And the last one, so this is the middle part. This middle one forms the urethra. And the last one, this one forms phallic or caudal part, from part of female reproductive system, and spongy urethra in males. Okay. Penis is a in males, they arise. So this part, from this part, upper part of the urogenital system, this is forming the bladder. So ureter ke baad just up, ureter will be continued in the bladder. So bladder banna hai. Bladder, pink colors. Brown color is forming. Kya? Abhi bataya aapko? Entire urethra. का पूरा यूरेथ्रा, ठीक, और मेल्स में, दोनों मेल और फीमेल में भी पूरा यूरेथ्रा बना इससे, ठीक है। मेल्स में प्रोस्टेट भी, अब यूरोजेनिटल सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अंग है प्रोस्टेट, ठीक, ये बना इससे। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओवीडक्ट, बर्ड्स में ओवीडक्ट बोलते हैं, या इसमें फैलोपियन ट्यूब, दिस विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रीजन, और ये लास्ट में दिस वन will form reproductive organs in male and females. ठीक, reproductive सब पूरा reproductive system है, part of reproductive system in females and males. ये एनल कैनाल जो है इससे बनता है आपका, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पहले ड्रेन होता है एलेंटॉइस से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एलेंटॉइस, व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये यूरेटर्स जो कि मेसोनेफ्रिक डक्ट का आउटग्रोथ है, वो आया यूरेटर तो यही हो गया, ओके। फाइनल बेसिकली this is not clear to me, if anal canal, what does it become? I'll tell you later, okay? So, okay, yaad dilana to mujhe baad mein, I'll keep it clear, anal canal, kya banta hai? So, ye ban gaya aapka, pura ab excretory system in humans. ओके स्टूडेंट, समझ में आया इतना? यस सर। नाउ कमिंग बैक टू लैम्प्रेज, क्या कह रहे थे लैम्प्रेज में?
वी सी, अब आप समझ जाओगे जब भी बोलेंगे प्रो नेफ्रोस, मेटा नेफ्रोस, मिसो नेफ्रोस। हाँ यस, टाइम हो गया 9:40। आज क्लास है आपकी उस्तर उस्तर वाली? नो सर। 11 o'clock। ओके नो सर। ठीक है, तो ठीक है अभी कंटिन्यू एक्टिविटी सिस्टम फिनिश कर देते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। क्या लिखोगे? एडल्ट पहला पॉइंट, एडल्ट फंक्शनल किडनी इज इन दिस, एडल्ट लैम्प्रेस एडल्ट किडनी इज ऑफ मीसोनेफ्रिक टाइप। किडनीज आर, यही मेसोनेफ्रिक किडनीज आर डेवलप फ्रॉम द ह्यूमंस में क्या नाम दे रहे थे हम लोग, इंटरमीडिएट मीजोटर्म, और यहां पर इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द नेफ्रोजीनस टिश्यू, नेफ्रो जीनस टिश्यू, इट इज बेसिकली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, नेफ्रोटोम। That is, they are mesodermal in origin between, अब आप याद कीजिए अभी स्ट्रक्चर बताए थे कहां पर था इस एनिमल के, क्लोकल रीजन के ऊपर तक किडनी थे। ठीक, इंटेस्टाइन हो गया, क्लोका हो गया, क्लोका के ऊपर एनस, एनस रेक्टम, ये सो एंड बीनीथ द ओवरी दिस मेसोनेफ्रिक किडनी। तो अब आप देखो एक ऊपर में बॉडी वॉल है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेर, बॉडी वॉल तो ये होगा, बीनीथ द बॉडी वॉल देयर इज मायोटोम। तो डॉर्सल स्क्लेरोमायोटोम और वेंट्रल लैटरल प्लेट इन द कॉडल रीजन, वेंट्रल दैट इज द मीजोडर्मल रीजन इज बिटवीन डॉर्सल स्क्लेरोमायोटोम एंड वेंट्रल लैटरल प्लेट मीजोडर्म। The tissues between these two layers are mesodermal in origin. These are called nephrogenous tissues. Which are mesodermal in origin. और इसके बीच में ये इंटेस्टाइन, इसको लेटरली आप सोच बीच में इंटेस्टाइन। दिस नेफ्रोजीनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट्स इनटू ए सीरीज ऑफ सेगमेंटल टिब्यूल्स along the entero
posterior direction. ठीक है, एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन में नेफ्रोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट्स इनटू ए सीरीज ऑफ सेगमेंटल ट्यूब्यूल्स अलोंग द एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन. सीरीज वन आफ्टर अनदर, एक ही साथ सब भवक नहीं गया, ये डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, पीछे की तरफ चलता गया एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन. फर्स्ट सेट ऑफ किडनी, अब यहां हम ऐसे दिखा रहे हैं तो आप कल्पना कर लो, अभी फोटो बनाए थे मीसोनेफ्रिक किडनी का. फर्स्ट सेट ऑफ किडनी इन द लार्वल स्टेज इज प्रोनेफ्रोस. प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल opens into a common archinephric duct. जो यहाँ पर मीसोनेफ्रिक डक्ट जिसको बोल रहे हैं उसको कॉमन आर्किनेफ्रिक डक्ट कह रहे हैं. Basically that is continuation of प्रोनेफ्रिक डक्ट. प्रोनेफ्रिक with common archinephric duct nephric duct. So in the larval stage these anterior funnels pronephric ducts, these tubules, pronephric tubules, opens into pericardial cavity. And to these pronephric tubules, tuft of blood vessels called glomerulus is attached, or glomerulus is present. And they are functional in the larval stage, in the case of lampreys. But during course of the development, the pronephric tubules are replaced by posterior set of mesonephric tubules. And this mesonephric tubules remain as the adult kidney throughout its life, animal's life. ठीक है, larval stage से ये adult stage में metamorphose हो रहा है, उस दौरान ही metamorphosis के दौरान pronephric kidney will regress, it will degenerate, but the mesonephric tubules remain present, and these mesonephric tubules are caudal to pronephric tubules, are posterior to pronephric tubules, are inferior to pronephric tubules, and these mesonephric tubules remain as the adult kidney. Okay, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर, यस. एंड दिस प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स देन व्हेन यू सी द एडल्ट फॉर्म, अभी देखोगे आप जो सबसे पहला डायग्राम मैंने बनाया है इसका क्रिटी सिस्टम जिसका किडनी दिखाया आपको लैम्प्रेस का फर्स्ट फोटो, उसमें याद है एक कोना में मैंने ऐसे कर दिया था और क्या लेवल किया था, वेस्टिजियल प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स लिखा था, याद है लेवल किया था. सो दैट वन रिमेन्स ठीक इन द एडल्ट, बट दैट इज नॉट फंक्शनल, दैट वन इज नॉट फंक्शनल. द
they are present in the form of a mass of lymphoid tissue in the adult. So that lymphoid tissue was labeled there. Between the two sets of kidney, a separation portion is also left where tubules are lacking. Okay. These two sets of kidney, there is a separation. Means you will find some of the mesonephric ducts here, some of the mesonephric ducts there. Mesonephric tubules become greatly elongated. And the anterior end greatly elongated, and this is the anterior end. Anterior end is a double walled Bowman's capsule. The Bowman's capsule contains glomerulus. Blood supply. Okay. Tubules ke alawa bhi fatty lymphoid tissue hote hain iske around. And these tissues also part of the these tissues are also part of the kidneys. Aap kidneys aisa na samjho ki pura ka pura ye tubule se bhara hua hai. Is tubules ko rakhne ke liye acche se pack karne ke liye beech mein connective tissue hai. Uske supply ke liye blood ka supply एंड बॉडी फ्लूइड के सप्लाई के लिए लिम्फोइड टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, किडनी चूंकि सॉफ्ट ऑर्गन है एंड द वाइटल ऑर्गन टू, देयरफॉर ए फैटी टिश्यू लेयर इज आल्सो प्रेजेंट टू प्रोवाइड द कुशन सो दैट द मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस डजंट इंज्योर द किडनी और एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट. So even around your kidney also there is fatty tissue which provide cushion. Kidney ka kaam sirf excretion karna hi nahi hai in lampreys. This is the normal function of the kidney. They participate here. They also participate in the manufacturing and destruction of blood cells. Manufacture and destruction of corpuscles. Blood corpuscles या blood cells RBCs WBCs इनकी उत्पत्ति भी होगी यही और इनका नष्ट भी यही होंगे. So each kidney, there are two kidneys, two sets of kidneys, and each set of kidney is involved in the normal function of excretion as well as blood hematopoiesis. So kidney here is part of the blood hematopoietics, means the origin of blood and the destruction of blood both are happening here in the kidneys of the lampreys. Dono kidney body cavity ke डॉर्सल वाल से अटैच्ड है.
each kidney is attached to the dorsal wall of the coelom of this animal by peritoneal seat. Body cavity में किसी से लटकेगा ना, वो अटैच होगा, तो peritoneal seat से attached है and it is in the coelom. Okay, and the ureters open posteriorly into the urinogenital sinus. जब ureter बोलते हैं, ureter और urethra में अंतर पता है student? You know the difference. What is urethra and ureter? Yes, sir. क्या है ureter? सर जो किडनी से आता है. किडनी से आता है. The urethra. Urinary bladder से जो निकलता है. ठीक. थोड़ा कंफ्यूजन अगर होगा तो आई क्लियर इट, बट सी फर्स्ट दिस इज द किडनी विच इज बीन शेप्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल सर्वाइवल. दिस ऑर्गन इज this is a vital organ. Blood vessel. किडनी में देर आर दिस यूरेटर्स. Ureters are joining into a chamber which are highly elastic. This is bladder. Bladder is continued in the urethra. This is ureter. These are renal arteries and vein. Renal artery and renal vein. Renal artery and renal vein. This one is inferior vena cava, and that one is aorta. Okay, इसको थोड़ा analyze करो. So what you see? This is ureter. And ureter is this is the renal pelvis. Renal pelvis is highly branched. So many collecting tubes and it is
going in the kidney. So the region, upper region of the kidney, this region, periphery of the kidney is called renal cortex. And the inner portion is called as medulla, renal medulla. Okay. So if you analyze this portion, zoom in this, what is the, you see renal pyramid, this renal pyramid, first you see this is renal artery, beneath it renal vein. Renal vein. अब इसमें देखिए ट्यूब्यूल्स किस तरह से अरेंज है. This is Bowman's capsule. Blood vessel has gone in this region. From the vein, renal vein, the renal venule goes to the proximity of the Henle's loop. This Bowman capsule is leading, this is proximal convoluted tubule. This one is distal convoluted tubule. This one is collecting duct. So you can see Henle's loop and collecting duct, these are in the medulla region. Where in the cortex, this is the cortex, you find Bowman's capsule, glomerulus, PCT, DCT, okay. So main excretion function is taking place in the periphery of the, excretion function is going on in the periphery of the kidney, that is cortex region. And the medulla is basically collecting all this filtrate in them. So it is like this. Aaya samajh mein students? Yes. Okay. So see you in the next class. I think this one is over. Lamprey's excretory system. Aur isko mammal ka excretory system se hum overlap kar